हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल आरुष ऑटोमोटिव और मैं कुंतल आज फिर एक छोटा सा वीडियो लेके आ गया हूँ, इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो। तो आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है इंडिकेटर जो है डाइने और बाइने साइड में इंडिकेटर लाइट जो होता है उनका प्रॉब्लम एक भाई को आ रहा था। मतलब जो है वो भाई को समझ में नहीं आ रहा था कि इंडिकेटर का कनेक्शन कैसे होता है और कैसे इंडिकेटर जलता है। तो चलिए आज उसी के ऊपर एक वीडियो मैंने सोचा कि बना देती हूँ। तो मेरे हाथ में जो वायरिंग आप देख रहे हो कोई गाड़ी में लगा हुआ वायरिंग नहीं, बस इसको मैंने चेंज किया था बहुत दिन पहले वायरिंग, बस आपको समझाने के लिए मैंने एक वायरिंग ले लिया। तो चलिए हम पहले एक नया वाला एकदम पूरा नया पैकेट वाला वायरिंग लेंगे और उसके बाद जो है आपको समझाते हैं। तो आप अगर मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के लास्ट में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ एकदम शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा और आगे कौन सा टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो लाऊं वो भी आप कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे बता सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी बाएं के ऊपर दिया हुआ है, बाएं साइड में ऊपर दिखाई दे रहा है, तो उस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैंने एक नया वायरिंग ले लिया, इसके साथ एक फ्लासा लिया और एक हैंडल बार इसको भी मैंने ले लिया। तो इससे पहले मैंने एक इंडिकेटर का डायग्राम YouTube पर डाला था, अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखा हो तो ऊपर आई बटन में मैं उसका लिंक छोड़ रहा हूँ, आप जाके प्लीज़ उसको उसका जो डायग्राम है इंडिकेटर का वो QSD का ही था, तो पहले जाइए और उसको देख लीजिए और मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ कि इंडिकेटर कैसे चलता है। तो चलिए पहले हम इंडिकेटर का फ्लासर में जाएंगे। देखिए यहाँ पर दो वायर है, एक यूलो वाला और एक एस कलर का। तो यूलो वाला जो है इसका पॉजिटिव इंडिकेटर के अंदर घुसता है और यहाँ से जो है, और ये जो एस कलर का है यहाँ से इंडिकेटर का जो बार्जर है बाजार को होके यहाँ से निकलते हैं। तो ये वायर देखिए पहले कहाँ जा रहा है, बाएं साइड का जो हैंडल लीवर बार होता है उसी के अंदर जा रहा है। देखिए एकदम सेम टू सेम कलर है, आप देख सकते हैं इसका सेम टू सेम कलर है, ठीक है। ये जो वायर, ये इंडिकेटर का स्विच का जो बीच में कॉमन रहता है वो बीच में जा रहा है, ये एस कलर का वायर। और अभी जब इधर दे रहे हो तो इस दोनों में करंट आना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ये वाला जो ब्लू है और एक ग्रीन है, तो इधर में देने से आपका ब्लू में करंट चल जाएगा और इधर देने से आपका ब्लू में करंट चल जाएगा। मतलब ये जो दो साइड का इंडिकेटर आप अलग अलग साइड से जला सकते हो। अगर आपको इसके ऊपर 4 इंडिकेटर चाहिए तब आपको ये दोनों जो वायर होता है ग्रीन और ब्लू, ये देखिए एक अलग सा वायर लेके इसके साथ इसको जोड़ देने से क्या होगा, आप कोई भी साइड में इंडिकेटर देने से आपका 4 इंडिकेटर जलना स्टार्ट हो जाएगा। मगर हर टाइम तो आपको 4 इंडिकेटर नहीं चाहिए, इसलिए जो है यहाँ से यहाँ तक जो बीच में वायर आप ज्वाइन करेंगे उसको आप काट करके वहाँ पर एक्स्ट्रा कोई स्विच लगा लीजिए, ताकि आपको जब भी 4 इंडिकेटर का ज़रूरत होगा तो आप उसका स्विच जो है ऑन कर देने से ये दोनों वायर एक हो जाएगा और यहाँ से किसी भी साइड से आपको देने से 4 इंडिकेटर जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए 4 इंडिकेटर आपको समझा दिया हूँ। तो बस इंडिकेटर का यही फंडा है, यहाँ से पॉजिटिव फ्लासर में घुसती है और बार्जर होके यहाँ से पॉजिटिव निकल के आपका ये जो बार का है देखिए एकदम बीच में, मतलब इस स्विच का जो बीच में कॉमन वायर रहता है इस कॉमन वायर में ये बार्जर का वोल्टेज चला जाता है। और अभी इस साइड में देने से ये साइड का बजेगा, इस साइड से देने से इस साइड का बजेगा। तो एक भाई कल मुझे कॉल किया था, उसका एक नेगेटिव का प्रॉब्लम था, शायद वो कर रहा था कि ये जो दोनों वायर है नेगेटिव और पॉजिटिव फ्लासर में डायरेक्ट लगा रहा था, उसी के कारण उसका फ्लासर दो ठो खराब हो चुका है। तो ऐसा कनेक्शन इंडिकेटर का नहीं होता है, इंडिकेटर का कनेक्शन यही से होता है, एक पॉजिटिव घुसती है और एक पॉजिटिव निकल के इस स्विच का जो बीच में जो कॉमन पोल रहता है इस कॉमन पोल में जाते हैं और वहाँ से लेफ्ट और राइट होना स्टार्ट कर देते हैं। तो बस यही था इंडिकेटर का प्रॉब्लम का सलूशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे वीडियो को मेरा वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अगर मेरा
YouTube चैनल पर आप नए हो तो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे खत्म करती हूँ।